मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाशी हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिगरेट लाइटर। कैसे बनाते हैं? तो आपको दो पहले इसे कॉपर के वायर 1 mm के बढ़िया से ले लेना है। कॉपर वायर ही यूज करना, हीट होगा वायर भी। और ये स्क्रू आते हैं जो बोर्ड में कैसे जाते हैं, स्विच बीच लगाते हैं तो। और ये इसके नट है, एक नट का गया, ये से 4 नट ले लीजिए, 2 स्क्रू। और ये MDR बोर्ड का टुकड़ा है छोटा सा, तो इसमें 2 होल करेंगे हम। स्क्रू को बिठाएंगे एक इधर और एक इधर। तो और दोस्तों ये 1500 वोल्ट का नाइक्रोम वायर है, ये चाहिए ये वायर अच्छे से देख लीजिए। ये 30 रुपये का एलिमेंट है, 30 रुपये के। और ये नाइक्रोम वायर ही है, ऐसा होगा वायर स्प्रिंग टाइप में आता है। तो और एक पुश बटन चाहिए, और ये आपके पास ना हो तो भी चलेगा, मैं दिखा दूंगा वायर को बस ऐसे टच करने का तो ऑन हो जाएगा वो, उस बटन की ज़रूरत नहीं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मेकिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ड्रिल से 2 होल कर देता हूँ। और दोस्तों देखिए इधर आप स्क्रू को, नट को, इसको स्क्रू बोलते हैं, तो इसको घिस लेना ठीक से, फोकस हो जाए। 1 सेकंड इधर घिस लेना, मतलब इससे घिस लेना ताकि हम इधर सोल्डरिंग कर सके, ठीक है। तो मैं दोनों को ही घिस के और इसको होल करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने 2 होल कर दिए और इसको भी खींच लिया, देखिए नट को फोकस, देखिए स्क्रू को भी। तो हम इसको पेस्ट में डालेंगे पहले, देखिए पेस्ट लगा रहा, इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। हमारा सोल्डर तैयार है सोल्डरिंग करने के लिए। पहले थोड़ा साफ कर लो सोल्डर को, गर्मी बहुत है ब्रो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अपडेट। देखिए इसके ऊपर सोल्डरिंग हो गई। अब दूसरे की बारी है, दूसरा इसको भी हम पहले चिपका देते वो। ताकि हम इधर वायर एम्पियर आएंगे उसके लिए वायर निकल जाएगा, उसके लिए अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे हम। दोनों के ऊपर अच्छे से करना ब्रो सोल्डरिंग, निकलना नहीं चाहिए, लॉन्ग टाइम चलेगा ये आपका चीज। आपकी क्रिएटिविटी ऊपर है, आप यूज कहाँ करेंगे इसको, बहुत ठीक है। इसको पहले मैं इसको भी कॉपर वायरों को भी सोल्डरिंग कर देते हैं हम पहले, तो मैं सबको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है, हम पहले सबको फिक्स करेंगे। तो देखिए ये 2 वायर को भी सोल्डरिंग कर दिया मैंने, तो मेन चीज पे आ जाते हैं। इसको दोनों को पहले स्क्रू में बिठा दीजिए, MDR बोर्ड में नट लगा दीजिए पीछे से। मैं इसका MDR का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये हीट होंगे और प्लास्टिक होगा तो वो पिघल जाएगा, ये पिघलेंगा नहीं उसके लिए। तो मैं इसको टाइट करके दिखाता हूँ दोनों को। तो दोस्तों देख लीजिए हमने ये तो कर दिया, अब हमको एक कॉयल लेनी है। तो मैं इसका थोड़ा टुकड़ा निकाल दूंगा कॉयल का, तो आपको दिखा देता हूँ इसका टुकड़ा। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने थोड़ा प्लास्टिक से सीधा करके और 2 ऐसे बना दिए, तो हम इधर इसको चिपकाएंगे। अब
रिंग पहले बनाएंगे इसकी रिंग। मैं रिंग बनाने के लिए स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा हूँ। देखिए रिंग बन गई और इसमें कस देंगे, थोड़ा ध्यान से कस देना, मैं कस के दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसे कस, तो देख लीजिए मेरे से रिंग गलती से इधर से आते टूट गई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया क्योंकि वायर तो हीट होगा ही, उससे भी हम ले सकते हैं। वो बस रिंग डिपेंड करती है डिज़ाइन पे आपकी, आप कैसे बनाते हैं। तो हम पहले दो बैटरी पे वायर सोल्डरिंग करेंगे, इसका प्लस माइनस कोई भी नहीं होता इसका, तो हम पहले सोल्डरिंग करेंगे बैटरी पे। ठीक है दोस्तों, से मैंने चिपका दिया एक बार, तो चिपका दिया एक बार। अब पुश बटन चिपकाएंगे, इधर ऐसे पुश बटन चिपकाएंगे। देखिए मैंने दो पिन निकाल रखी है, कोई सी दो पिन में लगा दिया ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा चिपका के पुश बटन। देखिए दोस्तों, तो मैंने पुश बटन तो लगा दिया, देखिए उसके कनेक्शन, और सीधा ही तार इसमें आ रहा है, दूसरा तार बैटरी में ही सीधा डाल देंगे। अब ऐसे चिपका दीजिए ऐसे, तो मैं चिपका के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख लीजिए, ये मैंने इधर जॉइंट कर दिया और ये पुश बटन, तो इसको दबाएंगे तो देखना रेड वाट हुआ, रेड वाट होगा तो ऐसे बना सकते हैं लाइटर। तो मैं आपको कुछ चीज़ चला के दिखा देता हूँ। देखिए कागज़ से, देखिए बहुत अच्छे से जल रहा है, देखिए कागज़ भी जल गया। इसको मैं बुझा के, मच्छर की अगरबत्ती आती है तो हीटर की वाली अगरबत्ती भी चला के दिखाता हूँ। देखिए तो देखिए ये जल गई, ठीक से ही जली है, और हमारा वर्केबल हुआ है सक्सेसफुल लाइटर, लॉन्ग टाइम के लिए चलेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।